हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज हम हरे भरे कबाब बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये 200 ग्राम चने की दाल है, जिसे मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, क्रश की हुई हरी मटर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर, ये चार पाँचों चीज़ें वजन में मिलाकर 100 ग्राम है। अदरक हरी मिर्च बारीक कटे हुए, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी, एक पिंच सोडा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चने की दाल को पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ। देखिए दाल पीस गई है, हमें इसका बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इसे एक बर्तन में पलट लें। दाल बर्तन में पलट ली है। अब इसमें ये बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, सब्जियां आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपनी पसंद की डाल सकते हैं। आप बीन्स डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हरे भरे, इसमें बहुत सारी सब्जियां लगती हैं। अब इसे अच्छी तरह मिला लें। अब हम इसमें ये 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी इसी में, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, पिसा हुआ जीरा, ये भुना हुआ जीरा नहीं है, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक। आप अब इसे अच्छी तरह मिला लें, चम्मच से ना मिले आप हाथ से मिला लें। अब ये सब अच्छी तरह मिल गया है। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल भी गर्म हो रहा है। अब लास्ट स्टेज पर हम इसमें सिर्फ 1 पिंच सोडा डालेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। रिफाइंड गर्म हो रहा है, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह मिल गया है। आप सब्जियां जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक काटें, वरना आप कद्दूकस कर लें। अब इसके हम एक छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरीके से रिफाइंड मीडियम हॉट है, बहुत तेज गरम ना करें। और ये कुछ कबाब मैंने बना लिए हैं, इन्हें हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। ये बहुत आराम से हाथ से हैंडल हो जाते हैं। अगर आपको लगे बैटर हमारा ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप उस समय इसमें थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। जितनी दाल हो उसकी जस्ट हाफ आप सब्जियां लीजिए। इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी बना लेती हूँ। कबाब पर देखिए एक बहुत अच्छा कलर आने लगा है। इतने कबाब को सेकने में हमें करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि दाल अंदर तक सेकनी है। ये कबाब बनाने में बहुत इजी, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये सभी फूल कर ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ये सीक चुके हैं, कलर भी इन पे गोल्डन आ चुका है। अब इन्हें उतार लेते हैं। ये देखिए ये बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं। इसी तरीके से मैंने ये जो बाकी के बनाए थे इन्हें भी सेक लेते हैं।
आप दाल में सब्जियां बिल्कुल उस समय मिलाएं जिस समय आपका तेल गर्म हो चुका हो, क्योंकि नमक के साथ सब्जियां मिलकर पानी छोड़ देंगी और हमारा बैटर गीला ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप किसी रिश्तेदार के आने पर या किसी रिलेटिव के आने पर इनको सेकना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पर इन्हें एक बार उतार के रख लें और हल्के हाथ से दबाकर किसी के आने पर आप फिर से सेकें, उससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत जल्दी भी सिक जाएंगे। ये भी हमारे सिक्कर तैयार हो गए हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सब्जियों से भरपूर हरे भरे कबाब बनकर तैयार हैं। आप इन्हें बच्चों की बर्थडे पार्टी, अपनी किटी पार्टी या रिश्तेदारों के आने पर जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।